गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ इनर एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ केमिस्ट्री ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, एनसीईआरटी के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का इनर एक्सरसाइज, अंदर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा। एनसीईआरटी इज प्रोवाइड बाई बोर्ड, ओके है ना। तो एनसीईआरटी आप लोग को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी बुक का, मैथ हो या साइंस या कोई भी बुक हो। ठीक है, एनसीईआरटी सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग ऑफ एयर। कहता है मैग्नीशियम के रिबन को, फीता को क्यों साफ कर देते हैं एयर में जलने के पहले। मैग्नीशियम के रिबन को क्यों साफ कर देते हैं एयर में जलने के पहले। तो देखिए मैंने लिखा मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, है ना। मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है विद व्हाइट डेजलिंग लाइट, चकाचौंध कर देने वाला लाइट। मैंने आपको बताया था इफ मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर देन इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर होता है ना, विद व्हाइट डेजलिंग लाइट, एकदम चकाचौंध कर देने वाला लाइट, एकदम डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, चकाचौंध कर देता है आपको। ठीक है, तो ये मैंने लिखा मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग ऑफ एयर बाय सैंड पेपर। सैंड पेपर से रगड़ देते हैं, सरेस का लग देखे ना। सो है टू रिमूव डस्ट, सिंपल सी बात है, साफ किस लिए करेंगे, गंदगी हटाने के लिए। किसी भी चीज को आप साफ करते हैं तो गंदगी, टू रिमूव डस्ट और एनी ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस। कोई डस्ट अगर बैठा हुआ हो या ऑक्साइड का लेयर हो तो उसको हटाने के लिए। दिस रिजल्ट्स मैग्नीशियम कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। इससे क्या होता है कि मैग्नीशियम डायरेक्ट एयर से कॉन्टैक्ट में आता है और जो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ कर देते हैं जलाने के पहले, ताकि डस्ट वगैरह जो उसमें हट जाए और है ना साफ सुथरा बढ़िया से हो जाए, और ताकि रिएक्शन जो है एयर से बहुत आसानी से हो जाए, है ना। दिस रिजल्ट्स कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, है ना। मैग्नीशियम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर इजिली। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन से क्या कह रहा था, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना आपको, है ना। क्या लिखना है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, है ना। बैलेंस्ड रिएक्शंस आपको लिखना, बैलेंस का मतलब समझते हैं आप लोग, है ना। बैलेंस मतलब दोनों तरफ सेम टू सेम हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, बनाता हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, है ना। तो देखिए तो इधर कै गो इधर हाइड्रोजन है, एक गो इधर, इधर दो गो, इधर एक गो, टू से इंटू कर दीजिए क्लोरीन दो गो, बैलेंस हो गया, कोई लफड़ा नहीं। सेकंड देखिए बैरियम क्लोराइड BaCl2 होता है प्लस अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 और क्या देता है, बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3। चलिए बैलेंस कर दीजिए, बैरियम एक बैरियम है, कोई दिक्कत नहीं। SO4 यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ, SO4 से 3 तो है, यहाँ पर 2 तो 1 है, तो 3 से इंटू कर दिया। देखिए पूरा मैं SO4 को ले लिया, एक ही बार SO4 को कंपेयर कर दिया, SO4 टोटल कै गो है, अल्मोनियम भी 3 है, नहीं ये 3 केवल SO4 के लिए, तो यहाँ पर 1 था, 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा तो बैरियम कै गो हो गया यहाँ पर ऐसा करने से, सोडियम प्लस वाटर, आग लगा देगा पानी में, सोडियम को पानी में मिलाइएगा था, सोडियम को पानी में मिलाइएगा आग लगा देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, देखिएगा सोडियम एक, सोडियम एक, हाइड्रोजन दो, इधर भी हाइड्रोजन दो, है ना, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन के 2 और 1 3 हो गया जी, यहाँ पर क्या हुआ 2 ऐसा करिए इधर 2 से इंटू करके देखिए, तो 2 जब 4 हो गया तो यहाँ पर इंटू कर दीजिए आपको कितना से 2 से, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। देखिए सोडियम, इसको नाइट्रोजन मत समझिए, Na है, जब भी देखिए मैंने बताया था शुरू में कैपिटल और उसके बाद स्मॉल, तब दोनों एक साथ है, अगर N ऐसे ये भी कैपिटल रहता तब दोनों अलग अलग आइटम है, ध्यान रहे कैपिटल और उसके बाद स्मॉल, तो इसका मतलब समझिए एक ही आइटम है,
ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर देखिए एक कैपिटल है और एक यहाँ पर देखिए दोनों कैपिटल है, तो दो गो आइटम है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये केवल एक आइटम है कोबाल्ट, ठीक है। तो इस सब बात पे ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात पे। एन से नाइट्रोजन मत समझ जाइए, यहाँ पे एन लिख दिया तो नाइट्रोजन, एन स्मॉल लेटर ना है, तो ये दोनों एक साथ है, सोडियम एक तो, सोडियम यहाँ पर क्या वो एक तो, इधर दो गए तो टू से इंटू कर लिया, बैलेंस हो गया। अरे ये सब है क्या जी, ऐसे ही है। अब अगला भी वही क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको विद स्टेट सिंबल का बता करके, क्या बता के, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे दिए गए रिएक्शन के लिए, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम टू सेम, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे दिए गए रिएक्शन के लिए। पहला क्वेश्चन है आपको सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ क्या, बैरियम, चलिए बैरियम क्लोराइड। अब सोल्यूशन की बात किया है, सोल्यूशन का मतलब वाटर में मिला हुआ, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए AQ, सोल्यूशन लिखा ना, सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, यानी कहने का मतलब हो गया सोल्यूशन का मतलब विद वाटर, तो ब्रैकेट में लिख दिए AQ, AQ माने एक्वस, यानी वाटर में मिला हुआ है, जलीय होता है, AQ माने एक्वस, जलीय। और क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट इन वाटर, अच्छा Na2SO4 इन वाटर, अच्छा यानी ये भी AQ, ये भी पानी में है AQ, ठीक है, ये भी क्या चीज है, सोडियम सल्फेट इन वाटर यानी AQ, इसमें भी लिखिए रिएक्ट टू गिव इन सॉल्युबल बैरियम सल्फेट, क्या देता है, इन सॉल्युबल बैरियम, ऐसे लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इन सॉल्युबल मतलब नीचे बैठ जाता, इन सॉल्युबल का मतलब, पूरा बात लिखिए, एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एंड क्या देता है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन की बात किया ना, तो इसको ही ब्रैकेट में लिख देते हैं AQ, है ना, किसकी बात की है, सॉल्यूशन की बात की है, तो ब्रैकेट में लिख दिए AQ, क्लियर। चलिए अब देखिए बैलेंस कर दीजिए, पूरा बात लिखिए बढ़िया रहेगा, बैरियम एक, बैरियम एक, SO4 डायरेक्ट कंपेयर कर दिए, एगो एगो, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन दो, यहाँ पर क्लोरीन एक, टू से इंटू कर दीजिए, सोडियम दो हो गया, यहाँ पर सोडियम बैलेंस है, ये हो गया बैलेंस, बैरियम एक क्लोरीन दो, क्लोरीन टू से इंटू कर दिए, हो गया दो, सोडियम दो, सोडियम दो है आपका SO4 एक हो गया बैलेंस। सेकेंड नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सॉल्यूशन है, ब्रैकेट में लिख दिया इन वाटर यानी AQ, AQ मतलब पानी में मिला हुआ है, AQ का मतलब क्या हुआ, पानी में, लिख भी दिया है कि पानी में है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, और सॉल्यूशन किससे बना है, वाटर से बना है, सॉल्यूशन मतलब वाइन मिलाने से नहीं बना है, मिल्क मिलाने से नहीं बना है, अल्कोहल मिलाने से नहीं बना है, है ना, आपको सॉल्यूशन जो बना है वो किसमें, इन वाटर में, तो ब्रैकेट में लिख दिया AQ मतलब पानी में मिला हुआ है। अब क्या देता है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं AQ एंड वाटर H2O, ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं L मींस लिक्विड है ये, ठीक है। अब बैलेंस कर दीजिए, क्या कीजिएगा बैलेंस, ये तो लगता है ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, सोडियम एक, सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 1 अपॉन 2, हाइड्रोजन 2 2 बैलेंस है, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, बैलेंस है, बैलेंस को क्या बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पॉइंट लिखा दिए कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं हवा में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है विद व्हाइट डाजलिंग फ्लेम, व्हाइट डाजलिंग मतलब चकाचौंध कर देने वाला है, जब मैग्नीशियम को जलाइएगा ना तो उसके पहले साफ कर देते हैं ताकि गंदगी वगैरह सब हट जाए, तो दम चकाचौंध करने वाला लाइट आपको देगा, ठीक है। तो आप देखिए आगे देखेंगे, तो देखिए मैं आपको डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर के पहले बारे में, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर कहे या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ इसलिए, और आगे क्वेश्चन आंसर में जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है क्या, लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, यानी वाटर का टूट जाना, तो वाटर टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दोनों एक ही चीज है, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी टूटता ही,
देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में लिखा है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी टूटता ही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो लिक्विड आप यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए वन बाई वन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। क्या है एडिंग बनाया, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का टूटना, क्या चीज का जो में टूटता है, ये आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दोनों ये कहीं चीज है, ठीक है। अब देखिएगा कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है आपको, एनोड, तो एनोड जो रेड व्हिच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कॉल्ड एनोड। ये देखिए बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है ये एनोड हुआ, और जो बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है कैथोड हुआ। ये प्लस है बैटरी का, ये क्या है, बैटरी है, सब लोग देखे होंगे बैटरी, ये प्लस से कनेक्टेड है एनोड और माइनस से जो कनेक्टेड है कैथोड, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो लिक्विड यूज करते हैं, ये हो गया आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड यूज करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइसिस कॉल्ड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड यूज किए ये वाला लिक्विड यूज किए इलेक्ट्रोलाइसिस में, ये वो कहलाया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो लिक्विड आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, हालांकि ये सब हेड क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट आप लोग समझ गए, द लिक्विड या सोल्यूशन विच इज यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब कहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो इसकी भी चर्चा मैंने कर दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये देखिए जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि वाटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या है, वाटर H2O, तो इसका डिकम्पोजिशन टूट गया, यही डिकम्पोजिशन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। क्या लिखा है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वाटर है, तो वाटर का डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, या इसी को मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस, वही ने बोला डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर कहिए या इलेक्ट्रोलाइसिस कहिए, इसलिए मैंने बोला। देखिए यहाँ पर वाटर डिकम्पोज हुआ, उसी को तो हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन वाले को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर कहिए या इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो पहले ही पढ़ा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ सुपरियर मेटल ऑन चिपली मेटल, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं सस्ता मेटल पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ सुपरियर मेटल, है ना, ऑन चिपली मेटल, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, क्या चिपल, बाय इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन, तो आयरन तो सस्ता है, आयरन क्या है और कॉपर महंगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। देखिएगा अब कुछ एक पॉइंट मैंने भी लिखा, जब कैडेट फ्लो कराते हैं वाटर से तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देता है, जब वाटर से कैडेट फ्लो कराइएगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देगा, और ये सभी गैसेस यहाँ पर देखिए फिगर देखिए, जब कैडेट इससे फ्लो कराया जाएगा, बैटरी का स्विच ऑन कर दिए, इस बैटरी का स्विच हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, कैडेट फ्लो कराइए, तो कैडेट फ्लो कराइएगा तो अब क्या देखिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल्स देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बबल्स, हाइड्रोजन का चार्ज होता है प्लस और ऑक्सीजन का चार्ज होता है, तो आप सब लोग जानते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में दोस्ती चल रही है प्लस वाला का माइनस से, तो हाइड्रोजन प्लस है तो माइनस वाला इसके पास जाएगा, और ऑक्सीजन आपका माइनस वाला है तो प्लस वाले के पास जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयन गो नियर द कैथोड, चूंकि प्लस वाला हाइड्रोजन, आगे मैं बताता हूं, है ना, और ये ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, ठीक है। वही मैंने लिखा है, दीज गैसेस आर फॉर्मड नियर द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड माने वही प्लस वाला और इलेक्ट्रोड माने एनोड और कैथोड, लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड्स यानी एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड एंड कैथोड, तो किसके नजदीक जाएगा, कैथोड के नजदीक। अब देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखिएगा
कुछ और मैंने पॉइंट्स लिखा दिया, हालांकि पहले भी मैंने बता दिया, करंट फ्लोज थ्रू वाटर देन इट गिव्स हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन दिया जो कि नेगेटिव चार्ज है। ये पहले भी मैंने अभी बताया, अभी लिखा कि जब करंट फ्लो करते हैं वाटर से तो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन का चार्ज प्लस और ऑक्सीजन का चार्ज माइनस। अब बताइए हाइड्रोजन प्लस है तो दोस्ती करेगा माइनस है, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस, तो माइनस वाला कौन है यहाँ पे देखिए कैथोड, तो हाइड्रोजन में लगाया कैथोड के नजदीक और ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज है वो गया किसके नजदीक, एनोड के नजदीक प्लस वाला। फिजिक्स या केमिस्ट्री में आजकल दोस्ती चल रही है प्लस वाला का माइनस से और माइनस वाला का प्लस से, यहाँ दिमाग में एकदम सेटअप कर लो, फिजिक्स या केमिस्ट्री में प्लस की दोस्ती माइनस से और माइनस की दोस्ती प्लस से, तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज है तो ये जाएगा माइनस वाला के पास, तो माइनस मतलब यहाँ क्या कैथोड, माइनस से जुड़ा हुआ कौन है कैथोड, ठीक है माइनस से आपको जुड़ा हुआ है कैथोड है ना, तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड के नजदीक और ऑक्सीजन ठीक है गोज नियर द एनोड, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज है माइनस, तो माइनस वाला दोस्ती करेगा प्लस से यानी एनोड के नजदीक, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये VVI, ये बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर डबल अमाउंट ऑफ बबल्स प्रोड्यूस, देयर आर डबल अमाउंट ऑफ बबल्स प्रोड्यूस नियर द कैथोड, कैथोड के नजदीक डबल, देखिए मैंने आपको पहले ही लिखा दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जब करंट फ्लो कराते हैं वाटर से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के रूप में, ठीक है। तो देखिएगा जब आप क्या देखें कि डबल अमाउंट ऑफ बबल्स प्रोड्यूस नियर द कैथोड, ये हाइड्रोजन यहां पर आया, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बबल्स, तो यहाँ पर होगा 1, 2, 3, 4 बबल्स, ठीक है। एट एनोड में यहाँ पर लिख देता हूँ एट कैथोड है ना 8 बबल्स, कंसीडर है भाई, मान लिया गया है, कंसीडर मान लिया गया कि एट कैथोड आपका 8 बबल्स, तो एट एनोड आपका 4 बबल्स है ना, कैथोड पर देखिएगा, कैथोड पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बबल्स, इस पर एनोड पर 1, 2, 3, 4 बबल्स है ना, एनोड पर आपका हो गया 4 बबल्स, ठीक है, तो क्लियर है। तो आप कहिएगा कैसे, देखिए क्योंकि आपको कहा जब वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन बनेगा और क्या बनेगा ऑक्सीजन, जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पर चलिए इस तरह से लिख देते हैं हाफ और टू, बैलेंस भी हो जाएगा, हाफ और टू मतलब क्या हो गया 2-2 कैंसिल यानी वन ऑक्सीजन, देख लिखने में अच्छा ऐसे नहीं लगता है, ऐसे लगता है चेंज जैसा, इसलिए हाफ और टू लिख दिया है ना, हाफ और टू का मतलब क्या 2-2 कैंसिल था कैगो ऑक्सीजन यानी वन ऑक्सीजन, तो ऐसे हाफ ओ टू ऐसे लिखे या वन ओ लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देखने में टेल लगता अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसलिए हम हाफ ओ टू मैंने लिखा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन है दो गो है ना, दो गो हाइड्रोजन है एंड वन गो ऑक्सीजन, हिंदी में लिख देता हूं है ना, यानी हाइड्रोजन का डबल अमाउंट है और ऑक्सीजन का है ना हाफ हो गया ना, यानी हाइड्रोजन का अमाउंट डबल है इसलिए डबल बबल्स, हाइड्रोजन कहाँ नियर द कैथोड क्योंकि प्लस चार्ज है, किससे जाके दोस्ती करेगा माइनस से, ध्यान से देखिएगा मैंने लिखा देयर आर डबल अमाउंट ऑफ बबल्स प्रोड्यूस्ड नियर द कैथोड, नियर द कैथोड, कैथोड के नजदीक डबल बबल प्रोड्यूस होता है नियर द कैथोड, ठीक है, डबल अमाउंट ऑफ बबल्स प्रोड्यूस नियर द कैथोड, एकदम दिमाग में आप सेट कर लीजिए हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन वाला कहां गया ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ये सब ये है हाइड्रोजन बबल, हाइड्रोजन बबल्स, और यहां पर मैं लिख देता हूं ये आपका है ऑक्सीजन बबल्स,
ठीक है, मैं लिख दिया भाई ताकि कंफ्यूजन हो। हाइड्रोजन कहाँ गया है? कैथोड के नजदीक, क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? प्लस। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का चार्ज है प्लस, तो जाएगा किसके साथ? माइनस, यानी कैथोड वाला के साथ। ऑक्सीजन का चार्ज है माइनस, जाएगा किसके साथ? प्लस, यानी एनोड वाला। देखिए एनोड है किससे? प्लस से कनेक्टेड। ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है, जाएगा प्लस यानी एनोड के पास। तो हाइड्रोजन यहाँ पर डबल है वाटर में, वाटर में हाइड्रोजन क्या है? डबल है। दू गो हाइड्रोजन है, एक गो ऑक्सीजन है, दू गो हाइड्रोजन है, एक गो ऑक्सीजन इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। दू गो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन दू गो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन डबल है, तो डबल बबल्स हुआ किसके नजदीक? कैथोड के नजदीक, ठीक है, क्लियर है? बिकॉज हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन इन वाटर, क्लियर। अब देखिए मैं एक एक्टिविटी कर देता हूं आपको, पिक्चर में एक्टिविटी वाला शो कर देता हूं। अब आपको व्हाइट बोर्ड पर एक पिक्चर दिख रहा होगा, उस व्हाइट बोर्ड पर पिक्चर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में बताया जा रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में व्हाइट बोर्ड पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपको बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं एक एक्टिविटी करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आपने देखा क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, कि डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हुआ नियर द कैथोड, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डबल था, डबल अमाउंट क्यों हुआ? कैथोड पर डबल अमाउंट क्यों हुआ? क्योंकि कैथोड पर आपका हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? कैथोड पर जा रहा है, प्लस चार्ज है जो कि माइनस से दोस्ती करेगी। तो देखिए एक्टिविटी 1.7 क्या कर रहा है, एक प्लास्टिक मग लीजिए, ड्रिल टू होल्स, उसमें दो को होल कर दीजिए, देखिए फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को, एक प्लास्टिक मग लीजिए उसमें दो को होल्स कर दीजिए, है ना, एंड एट इट इट बेस, बेस पर देखिए, बेस में नीचे देखिए, और उसी से बैटरी कनेक्टेड किया गया, 6 वोल्ट का बैटरी, है ना, एगो मग लिया गया है, उसमें दो को होल कर दिया गया है, और उसे दो को वायर निकाल के बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है 6 वोल्ट का, है ना। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, ये देखिए इलेक्ट्रोड दिखा है ना, कार्बन इलेक्ट्रोड है, कच्ची का इलेक्ट्रोड है, कार्बन का आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड है ना, इन दीज रबर स्टॉपर से सोन इन फिगर में दिखाया गया, कनेक्ट 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया, फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज। अब उसको क्या किया गया है, फिल द मग, मग को भर दिया गया है पानी से, डेट इलेक्ट्रोड सॉरी मैं, ये इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इलेक्ट्रोड मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रोड में आपका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो जिस जो बैटरी के प्लस से कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो बैटरी के माइनस से कनेक्टेड होगा वो होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए जिस प्लग की स्विच आपको दिख रहा है फिगर में, फिगर ध्यान से देखिए, स्विच आपको दिख रहा होगा है ना, इस तरीका का आपका स्विच ये क्लोज की हुआ, ये कौन सा की हो गया, क्लोज की, तो ये प्लस वाला वायर है, क्योंकि देखिए की वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव वायर में, की वायर जो जनरली हम लोग कनेक्ट करते हैं वो पॉजिटिव वायर में सुविधा के लिए, तो की वायर हम लोग कनेक्ट करेंगे वो किसमें कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वायर में। तो ये देखिए पॉजिटिव वायर है कौन, जिसमें की कनेक्टेड है ना। अब क्या किया है, इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया गया, क्यों, ताकि इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, एसिड जो है आपको कंडक्टिविटी बढ़ा देता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, चाहे नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, फॉस्फोरिक एसिड डाल दीजिए, कोई भी एसिड डाल दीजिए, उससे क्या होता है कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, करेंट आसानी से फ्लो करेगा, इसलिए मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया हूं। अब क्या कहता है कि टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, दो को टेस्ट ट्यूब डाल दिया गया, एगो है ना दिख रहा है फिगर में, दो को टेस्ट ट्यूब है, दो को टेस्ट ट्यूब डाल दिया गया है, एंड इट भर्ट देम विद कार्बन इलेक्ट्रोड, और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड डाल दिया गया है, कार्बन, कार्बन मतलब ग्रेफाइट कह सकते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड मतलब ग्रेफाइट जो आपको बैटरी में होता है ना जी, बैटरी के इलेक्ट्रो निको एवरेडी के बैटरी में होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड डाल दिया गया है। स्विच ऑन करेंट, करेंट का स्विच ऑन कर दीजिए, एंड लीव द अपर्चर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अब थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, करेंट ऑन करके थोड़े समय के लिए, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स, आप क्या देखेगा कि बबल्स आपको दिखाई दे रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स के नजदीक, दोनों इलेक्ट्रोड्स के नजदीक आपको बबल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है।
दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, ये बबल जो है वाटर को डिस्प्लेस कर देगा है ना टेस्ट ट्यूब से, ठीक है, ये बबल्स वाटर को आपको डिस्प्लेस कर देगा टेस्ट ट्यूब से। तो क्वेश्चन आपसे फिर पूछा, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, कहता है क्या वॉल्यूम जो है कलेक्टेड जो आपका सेम होगा दोनों टेस्ट ट्यूब पर। क्वेश्चन आपसे कुछ कह दिया है, पूछ दिया है इज द वॉल्यूम है ना, इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ऑक्यूपाई स्पेस जगह छेकना, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपका क्या वॉल्यूम जो है कलेक्टेड सेम है दोनों टेस्ट ट्यूब में, तब वॉल्यूम का मतलब होता है ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए वॉल्यूम तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वॉल्यूम जितना था उतना ही रह जाएगा, वॉल्यूम इसमें थोड़ी ना अलग से कुछ ऐड कर रहे हैं, जो शुरू में मिला दिए जो मिला, तो वॉल्यूम आपका है ना सेम रह जाएगा। वंस द टेस्ट पूछ रहा कह रहा है वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, अब कहता है वो एक टेस्ट ट्यूब को आप हटा दीजिए, वन ऑफ द वंस एक बार टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस, अच्छा गैसेस आप उसमें भरिए, रिमूव द केयरफुली टेस्ट दीज गैसेस वन बाई वन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल, अब कहता है इसको टेस्ट कीजिए आप एक एक करके बर्निंग कैंडल ला के, तो आप क्या देखिएगा ना कि हाइड्रोजन के नजदीक बर्निंग कैंडल ले जाइएगा तो आपका बुझ जाएगा, हाइड्रोजन के नजदीक ले जाइएगा तो बर्निंग कैंडल क्या होगा, कैसे पहचानिएगा कि हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ध्यान से देखिएगा कैसे पहचानिएगा कि हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आपको बुझाएगा ऑक्सीजन जलाएगा, हाइड्रोजन बुझाएगा और ऑक्सीजन जलाएगा, तो ये कहता है टेस्ट द गैसेस, अब इस गैसेस का हम टेस्ट कर रहे हैं कि सच में हाइड्रोजन मिला कि कार्बन में एक हाइड्रोजन मिला कि क्लोरीन मिला कि ब्रोमीन मिला क्या मिला, इसमें सच में हम चेक करना चाह रहे हैं। द टेस्ट द गैसेस वन बाय वन बर्निंग कैंडल ले जाके क्लोज द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, पॉसन सावधानी रखिएगा दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुल्ली बाय टीचर, एकदम ध्यान से ही करना है। व्हाट हैपेंस इन दिस इन ईच केस, क्या होता है इसके प्रत्येक केस में, व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तब क्या देखिएगा आपको टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन अगर रहेगा तो बुझा हाइड्रोजन के नजदीक ले जाइएगा तो बुझा देगा और ऑक्सीजन के नजदीक ले जाइएगा तो कैंडल जला देगा, क्योंकि ऑक्सीजन जलाता है हाइड्रोजन बुझाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बुझाता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्या है हाइड्रोजन है ना, तो मैं पॉइंट को आपको मैं लिखा देता हूँ इसको, ठीक है मैं इस पॉइंट को आपको लिखा देता हूँ, अब देखिए तो मैं पॉइंट लिखा दिया हूँ, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशर बुझ जाता है, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो बर्निंग कैंडल बुझ जाता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो बर्निंग कैंडल डज नॉट एक्सटिंग्विश, यानी यही पहचान है, जैसे उसमें हाइड्रोजन गैस मैंने अभी आपको एक्टिविटी में बताया, एक्टिविटी 1.7 है, मैंने अभी बताया आपको क्या कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, इसको टेस्ट करना चाहते हैं है ना, क्या करना चाहते हैं इन सभी गैसेस को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आसानी से रिमूव देम केयरफुली, पहले आसानी से हटा लेते हैं है ना, अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सच में है या नहीं है, तो हम क्या किए थे है ना, आपको एक्टिविटी में मैंने एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, आसानी से पहले हटा लीजिए, आसानी से दोनों गैसेस को हटा लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को है ना, आप जलता हुआ कैंडल ले जाइए जला देगा तो ऑक्सीजन समझिए, जला हुआ है जला रह जाएगा तो ऑक्सीजन, अब बुझा देगा तो हाइड्रोजन। अब देखिएगा मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, दो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आ सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, एक सॉल्यूशन है सबस्टांस एक्स का जिसका नाम है, जो यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो कहता है आपको फर्स्ट नेम द सबस्टांस एक्स एंड राइट इट फॉर्मूला, तो उस सबस्टांस का नाम लिखिए, तो व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज किया जाता है CaO जिसको कहते हैं हम चूना है ना, कहता है सबस्टांस एक्स तो नेम द सबस्टांस, तो सबस्टांस एक्स ही लिख देता हूं सबस्टांस है ना एक्स
इज सी ए ओ, जिसको हम लोग कहते हैं चूना, ठीक है। कह रहा है एक सोल्यूशन है ऑफ सबस्टांस एक्स जो यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में। सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स यूज फॉर व्हाइट, नेम द सबस्टांस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, उस सबस्टांस का आप नाम लिखे। तो सबस्टांस का नाम क्या है? चूना। व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है चूना। अब क्या कहता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स, अच्छा सेकंड का राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स, एक्स मतलब सी ए ओ है ना, एवर विद वाटर, अच्छा किसके साथ? वाटर के साथ। तो बना देगा सी ए ओ एच होल टू है ना। कहता है रिएक्शन ऑफ सबस्टांस एक्स, ये सबस्टांस एक्स है वाटर के साथ, तो क्या बनाता है ये, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था। और सेकंड क्या है कि व्हाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन एक्टिविटी 1.7 अभी जस्ट बताया मैंने, डबल होता है अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, डबल अमाउंट होता है कलेक्टेड इन अदर। भाई पूछा क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी 1.7 डबल है अमाउंट ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, बिकॉज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से इन वाटर। अभी ना इलेक्ट्रो एक्टिविटी 1.7, अरे एक्टिविटी 1.7 में किसके बारे में? अबाउट वाटर में है ना। इन एक्टिविटी 1.7 में क्या है? एक्टिविटी 1.7 अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बस वाटर, इसीलिए मैंने इसमें वाटर लिख दिया इन वाटर केस। यहाँ पर वाटर से कंपेयर क्यों कर दिया? क्योंकि एक्टिविटी 1.7 में किसके बारे में बताया है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो वाटर के बारे में चर्चा किया यहाँ पर इन वाटर, ठीक है। फिर से क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ टेस्ट ट्यूब डबल अमाउंट ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, एक टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट है दूसरे की तुलना में है ना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का अमाउंट, बिकॉज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डबल होता है ऑक्सीजन से इन वाटर में। अब कहता है नेम दिस गैस, दिस गैस लिखा है, दिस गैसेस नहीं, दिस गैस प्लूरल नहीं है सिंगुलर है, दिस गैस है, यही ना कहेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या तो भाई गलती हो जाएगा। नेम दिस गैस, कौन गैस जो डबल, किसके बारे में जो डबल किया है उसके बारे में चर्चा किया है। तो इस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। डबल वाला कौन है? इसके बारे में कहता है किस गैस के नाम जो कि डबल अमाउंट है, तो डबल अमाउंट किसका? तो दिस गैस इज हाइड्रोजन। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।